भारतीय क्रिकेट टीम ने रविवार को वनडे वर्ल्ड कप में अपने पहले मैच में ऑस्ट्रेलिया को 6 विकेट से मात दे दी। ऑस्ट्रेलिया टीम टॉस जीत करके पहले बल्लेबाजी करते हुए 199 रनों पर ही ऑल आउट होगी। फिर भारत ने 41.2 ओवरों में 4 विकेट पर 201 रन बनाते हुए जीत को अपने नाम दर्ज कर लिया। दोस्तों चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया टीम की पारी पहले बल्लेबाजी करते हुए महज 199 रन पर ही सिमट गई। भारतीय टीम की शुरुआत खराब रही और उसके 3 विकेट केवल 2 रन पर ही गिर गई। दोस्तों बाद में विराट कोहली ने 86 रन और केएल राहुल ने 97 रन के कमाल दिखाते हुए अपनी टीम को जीत दिला दी। राहुल ने विजयी छक्का जड़ा, उन्होंने 115 गेंदों पर 8 चौके और 2 छक्के जड़े। विराट कोहली ने 116 गेंदों पर 85 रनों की अपनी पारी में 6 चौके जड़े थे। विराट कोहली और राहुल ने चौथे विकेट के लिए 165 रन की पार्टनरशिप भी की थी। दोस्तों राहुल को इस प्रदर्शन के लिए मैन ऑफ द मैच चुना गया। उन्होंने इस मैच में विकेट कीपर के तौर पर जिम्मेदारी संभाली और वह तीसरे ही ओवर में बल्लेबाजी करने के लिए उतर गए थे। हालांकि मैच में अगर ऑस्ट्रेलिया को बैकफुट पर किसी ने धकेला तो वह केएल राहुल के अलावा एक और खिलाड़ी था जिसका नाम था रविंद्र जडेजा। दोस्तों रविंद्र जडेजा एक सफल गेंदबाज भी रहे, उन्होंने 3 विकेट लिए। जडेजा ने स्टीव स्मिथ, मार्शल लोबसेन और एलेक्स कैरी जैसे धाकड़ बल्लेबाजों को पवेलियन भेजा। उन्होंने अपने 2 ओवरों में ही 3 विकेट ले लिए जिससे ऑस्ट्रेलियाई टीम दबाव में आ गई। ऑस्ट्रेलिया टीम के कप्तान पैट कमिंस ने टॉस जीत करके पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। मेहमान टीम 49.3 ओवर में 199 रन पर ही ऑल आउट होगी। स्टीव स्मिथ ने सबसे ज्यादा 46 रन बनाए जबकि डेविड वार्नर ने 41 रनों का योगदान भी दिया। कुलदीप यादव और जसप्रीत बुमराह को 2-2 विकेट मिले। दोस्तों मोहम्मद सिराज, हार्दिक पांड्या और रविचंद्र अश्विन ने 1-1 विकेट चटके थे और ऐसे करके भारत ने एक जबरदस्त शुरुआत वर्ल्ड कप में कर दी है। और आपको क्या लगता है कि यह शुरुआत और अंत तक भी ऐसा ही रहेगा और भारत क्या वर्ल्ड कप जीत पाएगा? ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद।